बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जलेबियों की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा जी, यहाँ पर सॉस पैन ले लिया है मैंने। यहाँ पर एक कप चीनी है और यहाँ पर आधा कप और मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये टोटल हमारा डेढ़ कप हो गया, वन है ना, हाफ कप चीनी डाल दी इसके अंदर मैंने। कप पानी चला गया इसके अंदर, अब मैंने आधा कप पानी और लिया, तो डेढ़ कप पानी हो गया, डेढ़ कप चीनी हो गई, मैंने बराबर कर लिया है ताकि हमारा शीरा जो है जल्दी से बन जाए अच्छा सा गाढ़ा सा। वन टी स्पून के आसपास आपने लेमन जूस डालना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना स्टेनर रख के, इसी तरीके से आपने डालना है ताकि बीच बीच जो हो वो आपके चीनी वाले पानी में ना जाए। ये इलायचियाँ हैं 3 से 4 कुटी हुई, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है खुशबू के लिए। ये इलायची के दाने इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। नींबू हमारा इसके अंदर चला गया है। अब ये हमने इसको पकाना है, इसका हमने शीरा बनाना है। आ जाएँ अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने क्या करना है, तो चले आए मेरे साथ। तो चले जी, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो ये है कि यहाँ पे आपने एक कप जिससे हमने चीनी नापी थी, पानी नाप के डाला था, तो उसी कप से हमने मेजर कर मैदा लेना है। 2 कप मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। चले जी, यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। दही डालने से आपकी जलेबी जो है खस्ता बनेगी, अच्छी बनेगी, फूलेगी। तो ये 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है। ये 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। 2 चमचे मैंने डाले यही वाले लिए, बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर के। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर ले लें, येलो जलेबियाँ आपको अगर अच्छी लगती हैं तो वो ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर, 1/4 टीस्पून जर्दा कलर इसके अंदर चला गया। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर अगर कम लगेगा मुझे तो मैं और डालूँगी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून यहाँ पर आपने ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल डालना है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, चंगे तरीके से मिक्स करना है इसको, चंगे तरीके से, समझते ना आप। इसको हमने मिक्स करना है और बस पानी डालेंगे और जितना हमें बैटर चाहिए जलेबियों के हिसाब से उतनी थिकनेस हम इसकी रखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। बस इसके अंदर ज़र्दा कलर मैं और डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कलरफुल अच्छी लगती है। सही है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये हो गया हमारा, ये देखें इस तरीके से ये रनी होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए आपने स्टे देना है और बस फिर इसको हम बना लेंगे। चले जी, यहाँ पे हमने चूल्हा ले ऑन कर लिया है अपना। अब यहाँ पे ये घी है मेरे पास, आधा कप घी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने बनानी है। ये देखें कितने अच्छी सी हमारी ये बन रही है जलेबियाँ, उसको बीच में आपने रखना है, ठीक है, इस तरीके से करके, यूं करके आपने इसको करना है। थोड़ा सा दूर दूर आप डालें, थोड़ा सा दबा के डालेंगी तो ये मोटी डलेंगी। ये देखें फूल रही है ना कितनी, माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी जलेबियाँ बन रही हैं। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और शेप अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, जलेबी का तो टेढ़ी मेढ़ी हो जैसी भी हो, आजकल तो बहुत तरह तरीके से बना रहे हैं, चकोर बना रहे हैं, चमचे की शेप की बना रहे हैं, मैशर के डिज़ाइन की बना रहे हैं, बहुत तरीक़ों की जलेबियाँ बना रहे हैं। ये देखें आप इसकी देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, ये आपको महसूस हो रही है? ये देखें थोड़ा सा सिक जाएगी ना,
ये बस इस तरीके से आप ये बनाएं ताकि आसानी से हम उठा लें। सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम इसी में ही छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको हमने ज़्यादा गर्म खोलते हुए शीरे में नहीं डालना, ठीक है, आपको याद रहे ध्यान में। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ अगर तो, ये देखिए ये शीरा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, सही है। तो देखें 2 कप मैदे से हमने कितनी ढेर सारी बना ली, अब आप काउंट करके बताइए कितनी होंगी। तो तकरीबन 1 किलो तो करीब तो ये होंगी। तो चलें आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और बनाएं इसको ज़्यादा। अगर आपने सिक्की भी खानी है तो थोड़ा सा हल्की आँच पे इसको आप सेक लें, और ना भूलें अगर ये तो आप इसके अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें सोडा डाल लें और इसको फिर आप बना के देखें। दरमियानी आँच पर ये बनेंगी, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कढ़ाई भर कर तेल आपने नहीं लेना, ये डीप फ्राई नहीं होती हैं। आपने देखा होगा बाहर भी जलेबी समोसों वालों के पास जो है जलेबियां जब वो फ्राई कर रहे होते हैं तो एक फैला हुआ सा उनका बर्तन होता है। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें आप लोग अगर आवाज़ आ रही हो तो, ये देखें जी कितनी खस्ता बनी है, कितनी अच्छी जालीदार बनी है माशाल्लाह। बहुत ही मज़े के हैं, देखें बहुत ही मज़े की हैं, खस्ता बनी है, ज़बरदस्त है, जाल बना देखें कितना अच्छा, अंदर तक शीरा इसके अंदर गया है, देखें आप लोग बहुत बेहतरीन बना है माशाल्लाह। तो चलिए आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।